स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज में। तो इस वक्त की बड़ी घटना सामने आई है, तालाब में मिला युवती का शव। जांच में जुटी पुलिस। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के जोड़ा तालाब में भरतपुर से पढ़ने आई छात्रा का शव पुलिस ने नगर सेना के गोताखोरों की मदद से खोज निकाला। मृतिका के मुंह में झाग देखा गया। मृतिका के शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आखिर मामला आत्महत्या का है या हत्या का? जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के भरतपुर के एक गांव से बैकुंठपुर में पढ़ाई कर रही नाबालिग छात्रा प्रतिदिन सुबह फूल लेने जाया करती थी। मंगलवार को भी सुबह 7 बजे घर से निकली और दोपहर तक लौटकर नहीं आए, जिसके बाद परिजन ढूंढने निकले। काफी ढूंढने के बाद जब बालिका नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने फौरन तत्परता दिखाई और आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालना शुरू किया। तब एक फुटेज में मृतका तालाब की ओर आते दिखी, जिसके बाद पुलिस जब तालाब की तरफ पहुंची तो उसके चप्पल तालाब के बाहर पड़े मिले, जिससे पुलिस को शक और गहरा गया, जिसके बाद मृतका के शव को ढूंढने का काम शुरू हुआ। पुलिस ने नगर सेना की गोताखोरों की मदद ली गई और 4:05 पर मृतका का शव तालाब में खोज निकाला। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।